ऑलराइट सो हेवडी वेलकम बैक एंड माय न्यू यार। आज गाइस लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज्यादा सैड न्यूज है यार, क्योंकि यार सुबह से इतनी ज्यादा बारिश आ रही है कि यार मैं क्या बताऊँ आपको। और ये बारिश रुकने का कोई नामो निशान नहीं ले रही। और यहाँ पर यार शिंचन जो आप खड़े है, और भाई शिंचन तुझे भूख नहीं लग रही है क्या? अरे यार मैं मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे हाँ यार, इसको तो भूख लगने की वजह से चक्कर आते हैं यार। अरे यार भूख लगने की वजह से चक्कर नहीं आते, मुझे प्यास लगती है। भाई तुम दोनों के दोनों पागल हो, कुछ भी बातें करते रहते हो। अरे यार मैं पागल नहीं हूँ यार, ये शिंचन पागल है, कभी देखो भूख 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 ही करता रहता है। हाँ तो भूख लगी है तो कुछ खा लो ना तुम दोनों। और यहाँ पर यार एक तो सुबह से बारिश आ जा रही है, और तुम लोगों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है सुबह से। क्योंकि यार सुबह से बोल रहे कहीं तो पिकनिक ले चलो, पिकनिक ले चलो, पर यार मुझे कहाँ पर टाइम मिल रहा है, काम से फुर्सत है, ऊपर से बारिश आ चुकी है, और तो भी ये जिद कर रहे हैं शिनचैन। और यहाँ पर इन लोगों के लिए फ्रूट वगैरह रखा है तो भी ये लोग नहीं खा रहे। और यहाँ पर ये किसका कॉल आ रहा है, अभी जल्दी से चेक करता हूँ। अरे ट्रेवर का कॉल है। हाँ बोल भाई ट्रेवर, क्या हुआ? अरे फ्रैंकलिन जल्दी से आ जा। अरे कहाँ पर आ जाओ जल्दी तू बता। अरे भाई मिलिट्री बेस आ जा, बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। अरे ट्रेवर तू एकदम टेंशन मत ले, मैं आता हूँ, तू बस मुझे लोकेशन बता। हाँ जल्दी आ जा मिलिट्री बेस, क्योंकि बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है लॉस सैंटोस के अंदर। अरे यहाँ पर तो बारिश आ रही है ट्रेवर, क्या दिक्कत आ गई है? और मुझे तेरी आवाज बराबर नहीं आ रही है। अरे तो वही तो प्रॉब्लम है, तू जल्दी मिलिट्री बेस आ जा, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। अच्छा ठीक है यार मैं आ जाता हूँ मिलिट्री बेस। अरे यार शिनचैन और चॉप यार, ट्रेवर अंकल ने मुझे मिलिट्री बेस बुलाया तो मुझे जाना पड़ेगा, तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। हाँ अरे हाँ यार, आप जाओ काम के वजह से आपको जाना पड़ रहा है यार, मैं इसका ख्याल रखूंगा। हाँ यार चॉप तू इसका ख्याल रखना, और शिनचैन कुछ चॉप को परेशान मत करना, और चॉप तू इसको परेशान मत करना। अरे हाँ यार मैं समझ गया, बट ये चॉप को आप समझाओ। अरे यार तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, अगर मैं आने तक मुझे कुछ भी घर में टूटा फूटा दिखा तो मैं तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे यार आप बिंदा जाओ यार, मैं हूँ यहाँ पर। ओके यार गाइस, तो यार चॉप ने तो बोल दिया वो है यहाँ पर शिनचैन, क्योंकि यार बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे हैं। और मुझे ये नहीं मालूम है ट्रेवर ने क्यों बोला, जल्दी जाके देखता हूँ मैं। और यहाँ पर बारिश तो बहुत ज्यादा ही आ रही है, क्योंकि यार बारिश इतनी ज्यादा आ रही है तो यार दलदल भी यहाँ पर बने रहेंगे। और कीचड़ गाड़ी पे यार मेरे इतना उड़ेगा गाइस कीचड़, मैं आपको क्या बताऊँ। डायमंड की कार है यार, इतनी गंदी हो जाएगी। और यार एक तो ऊपर से मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरे पास कम से कम यार 10 करोड़ रुपए, जो कि यार मैंने इमरजेंसी के वक्त सेव करके रखे हैं। और वो 10 करोड़ रुपए का यार मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी से जल्दी, और वो बिजनेस का नाम रखूंगा यार सुपरमार्केट का बिजनेस रहेगा, उसका नाम रखेंगे यार लॉस सैंटोस सुपरमार्केट। हाँ यार गाइस उस बिजनेस का नाम हम लोग लॉस सैंटोस सुपरमार्केट रखे। और ये बंदा कुछ ज्यादा ही तंग कर रहा था मैं, इसलिए मार दिया इसको मैंने। और जल्दी से जल्दी यार ट्रेवर ने यार मिलिट्री बेस क्यों बुलाया वो भी जल्दी जाके देखना पड़ेगा, वरना ऐसे तो यार कभी मुझे ट्रेवर इतनी जल्दी जल्दी कहीं पे बुलाता नहीं। और ऊपर से इतनी ज्यादा बारिश आ रही है, मैं आपको क्या बताऊँ। और यार लॉस सैंटोस के अंदर कुछ इतने ज्यादा लोग मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ यहाँ से लूंगा ना राइट, हाँ यहीं से राइट टर्न लूंगा तब जाके मिलिट्री बेस आएगा। और यहाँ पर तो यार एक गाड़ी भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि यार लॉस सैंटोस के अंदर नॉर्मली तो हाईवे पे गाड़ियाँ मुझे चलती हुई दिख जाती है, और यहाँ पर तो एक गाड़ी भी नहीं दिख रही है। क्या मालूम यार गाइस गाड़ियाँ क्यों नहीं दिख रही है। कोई बात नहीं यार गाइस, मैं आपको डायरेक्ट मिलिट्री बेस जाके मिलता हूँ। और यहाँ के रोड तो देखो यार, एकदम उबड़ खबड़ रोड है, और मेरी गाड़ी पे तो यार कीचड़ उड़ना हो ही चुका है, गाड़ी तो ऑलरेडी कीचड़ में जा चुकी है। ओके यार गाइस मिलिट्री बेस आ चुका है यार हम लोग, और मिलिट्री बेस में आने के बाद यार गाड़ी मुझे स्लो डाउन करनी पड़ेगी, वरना गोलियां मार देते यार। ये काम करते ड्राइवर तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। अरे यार गाइस ये क्या है भाई, ये लोग कौन खड़े हैं यहाँ पर? और यार ट्रेवर भी खड़ा है यहाँ पर तो, और मिलिट्री का कर्नल खड़ा है भाई साहब। मिलिट्री का जनरल और कर्नल तो एक दोनों मतलब एक ही है वो बंदा, और ट्रेवर से शायद बात कर रहा है। हाँ यार गाइस ट्रेवर से बात कर रहा है, अभी जल्दी से जाके मुझे पूछना पड़ेगा क्या काम है यार ट्रेवर ने मुझे क्यों बुलाया। और यार ट्रेवर जल्दी बता तूने मुझे क्यों बुलाया। अरे फ्रैंकलिन ये देख मिलिट्री के कर्नल क्या बोल रहे हैं। हाँ जल्दी बता क्या बोल रहे हैं। अरे भाई मैं तेरे इसको तेरे दोस्त को समझा रहा था 10-10 करोड़ रुपया दे दे और तुम दोनों से। अरे ट्रेवर ये क्या बोल रहे हैं 10-10 करोड़ रुपया दे दे तुम दोनों से। अरे एक्चुअली है ना लॉस सैंटोस के अंदर बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है, और ये कह रहे कि अगर आना है सेफ जोन में तो 10-10 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, लॉस सैंटोस के लोग लॉस सैंटोस छोड़ के चले गए। हाँ 10-10 करोड़ रुपए दोगे तभी अंदर आने दूंगा। अरे सर ऐसी कैसी सुनामी आने वाली है, आप मुझे एक्सप्लेन करो जरा। हाँ लॉस सैंटोस के अंदर कल रात को हम लोगों ने टीवी पे तो चलाया था। अरे सर वो कल रात हम लोग का ना यार सिग्नल चला गया था टीवी का। वो तुम्हारी गलती है, वो मेरी गलती नहीं है, मैंने सबको अनाउंस करके बता दिया था लॉस सैंटोस छोड़ के चले जाओ, अभी जो आ रहे इतना लेट तुम दोनों, अभी कुछ ही लोग लॉस सैंटोस के अंदर बचे,
उनको बचाने का तो मेरे पास कोई चांस नहीं। अगर वो 10 करोड़ ला के देते तो मैं उनको ले लूंगा। हाँ, अगर तुम दोनों के पास 10-10 करोड़ हो तो जल्दी से 10 करोड़ ला के दे दो और यहाँ से बच के चले जाओ, वरना बहुत बड़ी सुनामी आने वाली है। अरे यार ट्रेवर, ये क्या बोल रहे, जो बोल रहे सच है क्या? हाँ, ये जो बोल रहे हो वो सच है और सुनामी बहुत बड़ी आने वाली है। अगर तुम लोगों को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा है तो जल्दी जाके बीच पे देख के आ जाओ, मालूम पड़ जाएगा। हाँ ट्रेवर, तू बीच पे गया था क्या? नहीं, मैं बीच पे तो नहीं गया था, बट ये बंदे ने मुझे यहाँ पर रोक के रखा है कब से। हाँ, मैं तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसे कैसे 10 करोड़ नहीं दोगे तुम लोग? तुम लोगों को लगता है तुम्हारी जान प्यारी नहीं है? अरे सर, 10 करोड़ कोई खाने की चीज थोड़ी होती है जो कि मैं आपको ऐसे ही लाके दे दूँ। हम लोग को सोचना पड़ेगा इस बात में। अरे भाई, मर जाओगे तुम दोनों, और तुम्हें मैं मिलिट्री के कर्नल होने की वजह से बता रहा हूँ। 10-10 करोड़ रुपया दे दो और जान बचा लो। अरे यार ट्रेवर, ये तो वो यार मुझे डरा रहे है। अरे तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। एक काम करते, बीच में जाके चेक करके आते हैं। हाँ हाँ, जाओ बीच में जाओ, चेक करके आओ। मुझे कोई दंग नहीं है, बट तुम लोग जल्दी से आ जाना, वरना है ना हम लोग का हेलीकॉप्टर नॉर्थ एंटन के लिए निकल जाएगा। क्या तुम लोग नॉर्थ एंटन जा रहे हो? हाँ, हम लोग नॉर्थ एंटन जा रहे हो। आधे से ज्यादा लॉस एंटन पूरा खाली हो चुका है। अरे यार ट्रेवर, ये क्या कर रहा है यार बंदा? एक काम करे ट्रेवर, तू जल्दी से चल मेरे साथ, और मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। आया आया, एक काम कर, बीच पे जाके पहले चेक करके आते हैं। अगर ये बंदा झूठ बोल रहा रहेगा तो हम लोग के 10 करोड़ खा लेगा। हाँ वही तो कह रहा हूँ यार ट्रेवर, 10 करोड़ की बात है, और 10 करोड़ कोई मामूली चीज है। वैसे यार ये बात तो ठीक कर रहा है, क्योंकि यार सुबह से लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, और इतनी ज्यादा बारिश देख के यार कोई भी नॉर्मली समझ जाएगा कि यार लॉस सैंटोस के अंदर कुछ तो तबाही आने वाली है। और ट्रेवर यार, तू क्या कहता है, सच में सुनामी आने वाली है क्या? अरे मैंने भी कल टीवी पे देखा था वेदर रिपोर्ट, और सच में सुनामी आने वाली है। बट ये बंदे के पास में आया तो ये कह रहा है कि यार 10 करोड़ रुपए तो तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए हो, कल रात को ही तुमको लॉस एंटोस छोड़ के जाना चाहिए था, और कल रात की वो लास्ट फ्लाइट थी। क्या कल रात को लास्ट फ्लाइट थी? हाँ, कल रात को लास्ट फ्लाइट थी पूरे नॉर्थ एंटन के लिए। अरे यार ट्रेवल, तो इसी के अंदर माइकल भी चला गया रहेगा ना? हाँ माइकल तो चला गया रहेगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे, तुझे मालूम नहीं क्या? हाँ यार ट्रेवर, माइकल के पास बहुत ज्यादा पैसे है। और तूने एक चीज नोटिस की क्या अभी? हाँ बता, क्या चीज नोटिस? अभी वेदर देख कितना ज्यादा खराब हो चुका है ट्रेवर। हाँ यार, वेदर तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, और मुझे नहीं लगता यार हम दोनों बचने वाले हैं। हाँ यार ट्रेवर, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा कि हम दोनों बचने वाले हैं, और वेदर को देख के तो यार मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा हम दोनों जिंदा बच पाएंगे। और लॉस एंटोस के अंदर एक गाड़ी नहीं दिखाई दे रही अब मुझे, और वो जितने भी बंदे थे लग रहा है कि यार लॉस एंटोस छोड़ के जा चुके हैं। और शायद यार अभी 2-3 गाड़ियां चल रही थी, बट यार वो भी मुझे दिखाई नहीं दे रही, लगता अपने घर के अंदर जाके छुप गए ना ट्रेवर। हाँ, अपने घर के अंदर जाके छुपेंगे ना, और कहाँ पर जाके छुपेंगे? उनको लगता है इतनी बड़ी सुनामी से वो लोग बच जाएंगे। हाँ यार ट्रेवर, बहुत बड़ी सुनामी आने वाली शायद ही, बट हम लोग एक बार कंफर्मेशन कर ही लेते हैं, शायद वो बंदा झूठ भी बोल रहा है। हाँ बंदा झूठ कैसे बोलेगा, और देख वो लास्ट फ्लाइट जा रही है वहाँ से। हाँ यार ट्रेवर, वो लास्ट फ्लाइट जा रही है, बट वो यार लॉस एंटोस एयरपोर्ट पे से नहीं जा रही है, वो कहीं दूसरी कंट्री से आई है। अच्छा ऐसा है क्या, लॉस एंटोस एयरपोर्ट के ऊपर अभी कोई प्लेन रुकेगा नहीं क्या? हाँ लॉस एंटोस एयरपोर्ट के ऊपर कोई प्लेन नहीं रुकेगा ट्रेवर। हाँ तो तेरे पास एक प्लेन था ना? हाँ ट्रेवर, मेरे पास एक प्लेन था, बट यार मैंने उसको बेच दिया, क्योंकि यार शिनचान की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि यार वो प्लेन मुझे बेचना पड़ा मजबूरी में। अगर वो प्लेन अगर मेरे पास रहता तो हम दोनों यार नॉर्थ एंटन चले जाते आराम से, क्योंकि यार मुझे अगर इस प्लेन चलाना तो आता है, और प्लेन चलाने का तो यार मेरे लिए नॉर्मल सिस्टम है, क्योंकि यार प्लेन के मामले में मैंने कोर्स किया था। अच्छा तूने कोर्स किया था क्या प्लेन के मामले में? हाँ प्लेन मैंने चलाना सीख लिया था एक यूनिवर्सिटी से, बट वो सब बातें छोड़, हम लोग यार बीच की तरफ जाते जल्दी से, और देखते हैं यार सच में सुनामी आने वाली है कि नहीं। अगर बीच का पानी गाइस एकदम टॉप लेवल पे रहेगा तो यार सुनामी आने वाली है 100% गाइस। अगर बीच का पानी एकदम नॉर्मल रहेगा बारिश जैसा, तो यार हम लोग इतना चिंता नहीं कर सकते है ना ट्रेवर। अब तो चिंता की बात छोड़, लॉस एंटोस के अंदर एक बंदा नहीं दिख रहा, वो बंदा कैसे झूठ बोल सकता है? हाँ यार ट्रेवर, ये भी बात सही है, लॉस एंटोस के अंदर एक बंदा नहीं दिख रहा है, और मुझे ये देख के तो यार बहुत ज्यादा डर लग रहा है गाइस। आप लोगों को डर लग रहा है तो यार जल्दी से कमेंट में ओपी लिख दो, ओपी वाटर लिख देना, फिर यार आप लोगों को भी डर कम हो जाएगा एकदम इजीली। और यार जो भी चैनल पे नए वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ ठीक है समझ गया मैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलूंगा, बट तू गाड़ी जल्दी चला। हाँ यार ट्रेवर, तू चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फिर बाकी सब लोग भी कर देंगे, कोई बात नहीं यार। हम लोग बीच की तरफ जल्दी से पहुँचते हैं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो यार पानी ऊपर आ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि यार लॉस एंटोस के अंदर ज़्यादा पानी आए, तो यार मुझे जल्दी से बीच पे जाके चेक करना पड़ेगा। और यार मैं तो बोल रहा हूँ यार ट्रेवर, शिनचान और चॉप को हम दोनों भेज देते हैं।
कहाँ पर बेचेगा तू शिनचैन चॉप को? यार तेरे पास ट्रेवर 10 करोड़ रुपए है क्या? मेरे पास तो 11 करोड़ रुपए है। हाँ तो तेरे पास 11 करोड़ है और मेरे पास 10 करोड़ है, तो वो दोनों पैसे अपन मिलिट्री के कर्नल को दे देते हैं और उसको बोलते हैं शिनचैन चॉप को लेके चले जाए। हाँ ठीक है, इसके बारे में मैं सोचता हूँ। और ये क्या देख रहा हूँ मैं, इतना ज्यादा पानी कैसे आ गया यहाँ पर? हाँ यार ट्रेवर, इतनी बड़ी बड़ी वेव्स आ रही है और पूरा पानी बाहर आ रहा है गाइस, और पीछे इतना पानी जा रहा है, मतलब यार सुनामी आने वाली है। और ये मैं बात सीरियसली ले चुका हूँ, क्योंकि यार लॉस एंजेलिस का मुझे वेदर देख के समझ आ चुका है कि इतनी बड़ी सुनामी आने वाली है कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर तो देखो यार गाइस, इतना ज़्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है कि मैं आपको क्या समझाऊँ यार, मेरी अभी हालत पूरी टाइट हो चुकी है। और ट्रेवर तू क्या बोल रहा है यार, तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, बट यार मुझे शिनचैन चॉप की चिंता हो रही है। और ये क्या हो रहा है? अरे भाई इतना बड़ा बड़ा पानी कैसे ऊपर आ रहा है? अरे ट्रेवर वेव्स बोलते हैं उसको, और ये इतने बड़े बड़े वेव्स कैसे बन रहे हैं? क्योंकि यार सुनामी आने वाली है, एक बार हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर तो देखिए ट्रेवर, ये पानी ना मामूली पानी नहीं है, इतने बड़े बड़े यार वेव्स बन रहे हैं पानी के, और जरूर यार सुनामी आने ही वाली है लग रहा है मुझे ट्रेवर। हाँ एक काम करते हैं, जल्दी से अपन चलते कोई सेफ जगह पे, और पानी देखो यार ऊपर आ रहा है, जल्दी गाड़ी हटा। टेंशन मत ले ट्रेवर, इधर तक अभी तो पानी आया नहीं है। और वहाँ पर तो देखो यार गाइस, इतना ज्यादा पानी भर चुका है यार। कोई बात नहीं यार, इतना ज्यादा पानी भर रहा है, बट यार तू क्या सोच रहा है, शिनचैन चॉप को भेज दे क्या हम लोग मिलिट्री कर्नल के साथ? हाँ ठीक है भेज देते। और ये क्या सामने इतना सारा पानी आ गया? टेंशन मत ले, यहाँ पर पानी आएगा नहीं जल्दी, और मुझे तो लग रहा है लॉस एंजेलिस पूरा डूबने वाला है। कोई बात नहीं यार, हम लोग के पास 10 करोड़ है, इसलिए हम लोग शिनचैन चॉप को सेफ प्लेस पे भेज देते हैं। और शिनचैन चॉप को अभी बताएंगे नहीं, हम लोग घर पे जाने के बाद बताएंगे। और यहाँ से मैं कहीं तो सेफ प्लेस चले जाता हूँ, हम लोग की गाड़ी भी खराब हो जाएगी, और पूरे लॉस एंजेलिस के अंदर हम लोग की एक ही गाड़ी चल रही है, क्योंकि बाकी सब लोगों की गाड़ी यार गायब है। और यहाँ पर एक कोई ट्रक खड़ा था, बट हम लोग को उससे कुछ लेना देना नहीं है, शायद खाली ट्रक रहेगा। और यहाँ पर मैं गाड़ी पार्क कर देता हूँ। हाँ गाइस ये सेफ जगह है, यहाँ पर गाड़ी पार्क करता हूँ। और यार गाइस आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी यार, प्लीज़ मैं कमेंट में बताना। ये गाइस सुनामी पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी मैं जल्दी लाऊंगा। आप फिर भी यार चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में वाटर ओपी लिख देना, और शिनचैन चॉप को भी हम लोग जल्दी से बचा लेंगे और बता देंगे कि सुनामी आने वाली है। तो इसी के साथ यार मैं लेता हूँ आज से आपसे अलविदा, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। और मिलते गाइस अगले वीडियो में, बाय।